चोरों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस के परस्त हैं। रात को चोर आते हैं और शटर पाड़ कर यानी कि चोरी करके लेके चले जाते हैं, और पुलिस फिर बाद में उनकी फुटेज देखकर यानी क्या करती है क्या नहीं करती है हमें नहीं मालूम। ये SDM रेजिडेंस के सामने है GMD मेडिकल हॉल, यहाँ पर बहुत बड़ी चोरी हुई है रात को, शटर पाड़ कर कितना कैश ले गए हैं ये तो हम उनसे ही जानेंगे कि ये शटर पाड़ा गया है यहाँ से, और शटर पाड़ कर दवाइयों की दुकान पे क्या लेके जाते हैं, दवाइयों की दुकान पे चोर क्या करते हैं, क्या ये रैकी करके जाते हैं दिन में कि यहाँ कुछ रखा होगा। ये शटर पाड़ा हुआ है, आप साफ देख सकते हैं कि ये इस साइड से भी शटर पाड़ा और ये शटर पाड़ कर यहाँ गल्ले में से क्या ले गए हैं ये हम जानेंगे यहाँ के। भाई साहब क्या नाम है आप? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र, किस नाम से दुकान है आपकी? JMD। रात को कितने बजे का वारदात है ये चोरी की? वीडियो फुटेज है इसमें, कैमरे में 2:15 से 2:30 बजे के बीच में। अच्छा, तो चोरों ने शटर ये साइड में से राड से इन्होंने उखाड़ा है। हाँ। एक आदमी अंदर गया है, उन्होंने ये दराजे तोड़ी हैं। हाँ। इनमें से बैग भी था, एक बार पड़ा था, पड़ोसी ने दिया सुबह। हाँ। खाली था, भरा हुआ था? भरा हुआ, तो क्यों छोड़ते जी वो? हाँ। खाली करके गए। अच्छा, कितना कैश निकल गया आपका उसमें? सर लगभग 70 से 80 हजार रुपए। 70 से 80 हजार रुपए ये यहाँ छोड़ के? ये ना, ये ऐसे है जी, 15-20 हजार रुपए। तो हम भी अगले दिन, जैसे लड़के है ना कोई आते पेमेंट के लिए, उनको देते हैं मेडिकल वालों को। हाँ, हाँ, हाँ। उसके लिए यार किसी और की पेमेंट आई हुई थी परसों की, वो रखी थी इसमें, वो कल आया नहीं, सोचा माँ चल कल दे देंगे, और वो बैग बाहर ही पड़ा था, उसमें चेक बुक और भी थी, पेमेंट भी इसी में थी। पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ, कर दिया जी, सुबह आ लिए जी। आ लिए? हाँ जी, मौका निरीक्षण कर। हाँ 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 जी, हो गया। अच्छा, क्या कहना है उनका? वो कह रहे हैं जी जल्दी से जल्दी जो भी होगा कार्रवाई। अच्छा, ये सीसी फुटेज है आपके पास? हाँ जी, ये दोनों है मेरे पास, अंदर की भी, CCTV कैमरे में कैद हो गया। हाँ, वो कैद हो चुके हैं जी। किस तरह के वारदात करने वाले लोग हैं, क्या नजर आ रहा है आपको प्राइम ऑफिसी में? ऐसे लग रहे जी जैसे एक्सपर्ट हो चोर। हाँ। नहीं, मुंह ढापा हुआ? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है जी, मुंह खुला हुआ है जी। कितने केज के हैं? नई उम्र के हैं जी। पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या लगता है कि शहर के अंदर सर्द ऋतु में चोरियां बढ़नी शुरू हो? हाँ, अब सर्दी के टाइम हो गई है, अब चोरियां बढ़नी। अब दो दुकान देख लो आज रात को, एक तो इसी दुकान में चोरी हुई है, एक ये सोनू मेडिकल हॉल है उस पे चोरी हुई है। अच्छा, 80 हजार का यहाँ ले गए और 10-12 हजार का परली दुकान से ले गए, और ये सारा SDM की कोठी के सामने ही है यहाँ पर। अब कहा है कि मैं पुलिस गश्त बढ़ाए अपना रात को ताकि चोरियां ना हो। देखिए, SDM कार्यालय बिल्कुल SDM कोठी है ये, यहाँ पर गार्ड भी रहती है और यहाँ पर पुलिस भी तैनात रहती है। SDM रेजिडेंस है, जो पहले खंडर हो चुका था उसको ठीक कर दिया गया, ऐसे SDM साहब यहाँ रहते हैं, और उसके बिल्कुल अपोजिट ये GMD मेडिकल हॉल है, और यहाँ पर बहुत बड़ी वारदात हुई है, वारदात चोरी की, 80 हजार 90 हजार, बहुत छोटा अमाउंट नहीं होता, बड़ा अमाउंट होता है, वो चोर इसको ले गए अपने साथ, तो इस चोरी की वारदात को रोकिएगा। एक और मेडिकल हॉल को हम दिखाते हैं साथ लगते हुए, एक नहीं दो दो मेडिकल हॉल को निशाना बनाया है चोरों ने। आइए दूसरे मेडिकल हॉल का भी हाल दिखाते हैं और उनकी भी सुनते हैं कि उनकी कितनी चोरी हुई है। हम CCTV देखोगे ना आप, चोरों के कितने हौसले बुलंद है, कितनी उससे चोरी कर रहे हैं देखना आप उसमें। फिर मैं कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन से, चोरों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस सजग हो जाइएगा, और SP महोदय से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि अपने गश्त बढ़ाए और अपने मातहत अधिकारियों को चुस्त करें और उनको आदेश दें कि ये चोरियां होनी बंद हों। हॉस्पिटल के साथ में GMD मेडिकल हॉल हाल है, और उसके साथ ही एक सोनू मेडिकल हॉल है, यहाँ भी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम सोनू है। हाँ जी जी, कैसे हुआ आपके यहाँ चोरी की वारदात, कैसे हुई है? लगभग कोई 3 बजे के आसपास बता रहे हैं, मैं तो सुबह मॉर्निंग में आया था जी 8:30 को, जो मेरा डेली रोटेशन का वर्किंग डे। अच्छा, होता तो क्या तोड़ा उन्होंने? ये तोड़ रखा था जी उन्होंने। अच्छा, इसमें अलावा पीछे इसमें फोन था छोटा, इसमें 5-7 हजार रुपये जो कैश हम रखते हैं मोहल्ले में महबूमन, एक 10 की गड्डी थी, एक 20 की थी, और तो कैश टोटल कैश कितना गया होगा? 7-8 के बीच में लगभग। कोई दवाइयाँ भी ले गए? नहीं, दवाई नहीं, नीचे हेलमेट था वो उठा के ले गए, और ये दराजे वगैरह कटोरी वगैरह ऐसे। CCTV फुटेज नहीं, मेरा यहाँ नहीं था CCTV, बट ये कौन है? सीन ऑफ क्राइम के हैं क्या? जी जी, आप साफ देख रहे हैं कि सीन ऑफ क्राइम के ये डॉक्टर्स और ये उनके
जो एम्प्लाई हैं यहाँ आ गए हैं और ये बिल्कुल यानी माइक्रोस्कोपिक यानी कैमरे से भी इनको देख रहे हैं। देखते रहिए किस तरह से चोरी की वारदात रोज़ाना बढ़ रही है। एक साथ दो दो दुकानों के ताले टूटना और कैश निकल जाना, यह पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह तो लगाती ही है।